हेलो अस्सलाम वालेकुम। जो आज हमारे पास मोबाइल है वो वीवो टेल का है 251 मोबाइल है, और ये इस मोबाइल के हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे, फुल रिव्यू करेंगे इस मोबाइल का। तो हम इसको चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं थोड़ी सी। हमने शापर इसकी पहले उतार ली थी क्योंकि यार अनबॉक्सिंग करने में हमें आसानी रहे। तो ये मोबाइल है हमारे पास वीवो टेल आई 251, और हमारा जो मोबाइल है हम यहाँ पर रखते हैं। तो अभी बाकी इसके एक्सेसरीज पे नज़र डाल लेते हैं। इसकी बाकी जो हमें मिलती है वो बैटरी के बाद हमें एक चार्जर के बाद एक हेडफ्री। तो सबसे पहले हम मोबाइल को ओपन कर लेते हैं। एक हैंड से यार मोबाइल खोलना बहुत ही मुश्किल है। मोबाइल ओपन हो गया है, इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करते हैं। मोबाइल ऑन करते हैं। ये वीवो टेल का बेस्ट मॉडल है। इसकी जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, दोनों में मतलब बहुत अच्छा मोबाइल है। इसके मैं आपको डिज़ाइन की भी बात करते हैं, इसका डिज़ाइन भी काफ़ी स्लिम है, और ये वीवो टेल काफ़ी ओल्ड मॉडल है पर यूजिंग के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। तो इसकी जो LCD क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। इसका जो शेप है वो भी काफ़ी VIP है। टाइप एंड्राइड चार्जर लगता है हैंड फ्री जैक के सामने। ये इसकी स्क्रीन है तो दिखाते हैं अभी। ये जो अभी आ गया ये इसकी हम सेटिंग में जाके इसका आपको वॉल्यूम भी सुनाते हैं। इसका क्या वॉल्यूम है, वीवो टेल प्रोफाइल में जाएंगे, यूज़र प्रोफाइल में जाके इसकी जो रिंगटोन है बीप नहीं रिंगटोन, इसके रिंगटोन है जो इतना साउंड है इसका, बड़ा ही बेहतरीन साउंड है। यूजिंग के हिसाब से अगर बन डाले तो काफ़ी VIP मोबाइल है, और चार्जिंग के हिसाब से बेहतरीन मोबाइल है। और दूसरे रिंगटोन लगा लेते हैं पहले। इसकी जो ये रिंग टोन है बड़ी बेस्ट है, और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है। गेम इसके अंदर दी गई है, कार रेस वाली गेम दी गई है इसके अंदर। ये भी अच्छी गेम है, काफ़ी बचपन में बड़ी खेलते थे, पर अब तो भाई टच मोबाइल आ गए। और जिसका चार्जर है ये भी वीवो टेल का ओरिजिनल चार्जर है और काफ़ी बेहतरीन है। और इसके बाद हमें हैंड फ्री दी जाती है, और उसके बाद ये हमें वारंटी कार्ड दिया जाता है। 1 साल की इसकी ऑफिशियल वारंटी भी है, और हमें क्या दिया गया है, और इसकी हमें कुछ ये बुक दी गई है वीवो टेल की, फ़ोन बुक वीवो टेल लिखा हुआ है इसके अंदर। ये इसकी मैनुअल बुक है जो कि आजकल नहीं पढ़ता कोई भी। बाकी हम मोबाइल की ओवरऑल बात कर लीजिए तो मोबाइल तो काफ़ी बेहतरीन है डिस्प्ले के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। इसकी टॉर्च भी है, टॉर्च हम इसकी आपको ऑफ ऑन करके दिखाते हैं। इसकी ये टार्च भी अच्छी है, काफ़ी नॉर्मल है। एक होती है काफ़ी बड़ी जैसे कि वीवो टेल आई 15 में दी गई है, वैसी इसकी टार्च नहीं है। बाकी ओवरऑल मोबाइल आपके सामने, मोबाइल काफ़ी बेहतरीन है, गुड क्वालिटी। वीवो टेल का मोबाइल तो पता है आपको, अच्छी क्वालिटी के साथ ही होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बता देना, इंशाल्लाह ताला हम आपको उसके अंदर भी रिप्लाई दे देंगे। अल्लाह हाफिज़।